आइए सुनते हैं। My name is Gaurav Singh and I'm a student of class 11th, Noida Public School, Sector 23. मेरा मोदी जी से बस एक ही सवाल है कि लाइक हमारे पास आज की डेट में करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, इवन आई हैव चूजन वन एज ह्यूमैनिटीज़, बट इट्स लाइक कि इतना वास्ट हमारा जो हमारे पास जितना वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट मैं एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं ही क्या कोई भी स्टूडेंट एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि उसको अपने करियर को किस चीज़ को लेकर के चूज़ करना चाहिए, क्या ध्यान में रख करके चूज़ करना चाहिए, उसको फ्यूचर में उस करियर के थ्रू सक्सेस मिलेगी भी या नहीं। तो मेरी बस आपसे एक जनरल क्वेश्चन है कि मुझे क्या क्या ध्यान में रख करके अपना करियर चूज़ करना चाहिए। कृपया इस बारे में प्रेरणा दें। बहुत ही कम शब्दों में जवाब दे दूंगा। ये सारी समस्या की जड़ क्या है? ये जड़ ये है कि आप कुछ बनना चाहते हैं। एक बार मन में तय कर लीजिए कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। जब तक बनना चाहता हूं आप सोचते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। आप अपनी स्वतंत्रता को एक प्रकार से समर्पित कर देते हैं, एक प्रकार से आप उस एक पाने के लिए गुलाम बन जाते हैं उसके, और इसलिए आपकी सारी जिंदगी सिकुड़ती चली जाती है। जिंदगी में बनने के सपने निराशा की गारंटी है जी, क्योंकि आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बने, समाज में प्रतिष्ठा है, लेकिन घर आने के बाद यार डॉक्टर बनना था नहीं बना, डॉक्टर बनना था नहीं बना, यही रोते रहते हैं। और इसलिए क्राइंग की दुनिया नहीं, ट्राइंग की दुनिया चाहिए, रोते रहना नहीं चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप कम से कम कुछ करने का सपना देखिए, और करने का जब सपना देखते हैं उसमें से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, नया करने का इरादा पैदा होता है, नया इरादा संकल्प बन जाता है, फिर एक बार आगे बढ़ने का मन कर जाता है, और आप करते चलते हैं और बनते चलते हैं, आपको भी पता नहीं होता है क्या बनने निकले थे, क्यों बनने निकले थे, करते करते ही जो बन गए उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसका आपका एक्सपीरियंस की ताकत, उसका आपका कॉन्फिडेंस, इसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए मैं आप सभी नौजवानों से आग्रह करूंगा, ये कैरियर नाम का शब्द कुछ बनना तय करके करने से आप गुलाम हो जाते हैं, फिर सारा सोच, दिनचर्या, जीवन, यार दोस्त सब उसी में सिमट जाता है। करने का इरादा होगा तो सारे रास्ते खुल जाते हैं हर प्रकार से। अगर मान लीजिए आपने तय किया भाई मुझे मुंबई जाना है, फिर कार से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, हवाई जहाज से जाऊंगा, चल करके जाऊंगा, दौड़ करके जाऊंगा, साइकिल पे जाऊंगा, सारी स्वतंत्रता खुली रहती है। और इसलिए आप मन में कुछ करने का इरादा रखिए, स्वतंत्रता को एंजॉय कीजिए, वो आपको एक नई ताकत देगी।